हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट टू भाग में। पार्ट वन पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग का वीडियो पहले जारी कर चुके हैं, जिसमें आपने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में समझा। अभी हम बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो पाँच बचे, आठ हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तीन हो चुके हैं पिछले वीडियो में। पांच पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं वर्ब्स। वर्ब्स आप जानते हैं क्रिया जो होती हैं उनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये शब्द आपने ग्रामर में सुने होंगे। सेंटेंस देखें आप सामने स्क्रीन पर, मिस्टर मनोज टीचेज इंग्लिश। यहाँ टीचेज वर्ब है। ही हैज़ टॉट द सब्जेक्ट फॉर 20 ईयर्स। वह इस विषय को 20 साल से पढ़ा रहे हैं। तो लाल कलर से, रेड कलर में जो हैं वर्ड, वो वर्ब हैं, हैज़ टॉट। ही इज़ ए कैपेबल टीचर, इज वर्ब है। द गर्ल रेन डाउन द स्ट्रीट, रेन वर्ब है। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, लाफ्ड वर्ब है। आई कैन वेट नो लॉन्गर, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। ये जितने सेंटेंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसमें लाल कलर से जो है वो क्रिया है, हमने लिखा हुआ है नीचे। द वर्ड्स इन रेड कलर आर वर्ब्स। रेड कलर में जो वर्ड्स हैं वो वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं। अब ये क्या बताती हैं किसी सेंटेंस में वर्ब्स, क्रिया क्या होती हैं? वर्ब्स एक्सप्रेस व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज और डज और हैज और व्हाट इज डन टू इट। क्रियाएं बताती हैं कि कोई जो सब्जेक्ट है वाक्य में करता है, वाक्य का सब्जेक्ट वो क्या है, क्या करता है, उसको क्या करना है, ये एक क्रिया बताती हैं। इसकी डेफिनेशन हम इस तरीके से भी दे सकते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट, पोजीशन। कोई भी क्रिया क्या बताती है? एक्शन, कोई किया गया कार्य, कोई स्थिति या कोई अधिकार किसी के पास है, तो ये तीन चीज़ें वो क्रिया हमें बताती है। जैसे द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है, तो इसमें एक्शन है। हॉर्स क्या कर रहा है? रन कर रहा है। वी आर वॉकिंग, हम घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो वॉक कर रहे हैं, तो ये एक्शन दिखा रहा है। द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है, तो मूव वर्ब है जो कि दिखाती है कि अर्थ मूव करती है, एक्शन दिखाती है। और पोजिशन अधिकार या पोजीशन जिसको हम कहते हैं, वो कैसे दिखता है? जब हम कहते हैं आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर है। किंग दशरथ हैड थ्री क्वींस, राजा दशरथ की तीन रानियां थी, तो किंग दशरथ के तीन रानियां थी, यानी उनके पोजीशन में थी, उनका रिलेशन था। ही हैज़ अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी उसको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है। ही हैज़, तो यानी उसके पोजीशन में है। और कंडीशन स्टेट कैसे दिखाती है वर्ब? जैसे आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, तो ये मेरी सिचुएशन है, मेरी कंडीशन है कि आई एम रेडी। ही वाज एब्सेंट, वो एब्सेंट था, तो ये उसकी कंडीशन है, उसकी स्टेट है। दे वर इंटेलिजेंट, वे होशियार थे। मोहन इज बिजी, हिज फैमिली इज हैप्पी। ये सभी सेंटेंस में जो वर्ब है वो स्टेट और कंडीशन को बता रही है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा है, कोई क्रिया ऐसा शब्द होता है जो किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। अब यहाँ काइंड्स ऑफ वर्ब्स की बात करें तो आपने दो तरह की पढ़ी हैं, उनको और अच्छे से हम बता देते हैं। पहली होती हैं मैन वर्ब, इनको प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोला जाता है, ऑर्डिनरी वर्ब्स भी बोला जाता है, फुल वर्ब्स भी बोला जाता है। हिंदी में बोले तो मुख्य क्रिया, इनके लिए अलग अलग शब्द अलग अलग टीचर और ग्रामर में यूज की जा करते हैं लोग बाग, मैन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब और फुल वर्ब्स। दूसरी होती है सहायक क्रिया, इसके लिए दो शब्द यूज किए जाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। अब हम आपको बता रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो 24 होती हैं। मैन वर्ब्स तो आप जानते ही हैं, ये वाक्य में किसी भी सेंटेंस में मैन वर्ब्स जो होती हैं मुख्य काम करती हैं, और जब वाक्य में एक ही वर्ब हो तो उसे मैन वर्ब कहते हैं। ये भी बात आप ध्यान रखें, एक ही वर्ब हो तो उस वर्ब को मैन वर्ब ही कहेंगे, और क्योंकि इस वर्ब का अर्थ अपने आप में एक कंप्लीट सेंस होता है,
जैसे राम रीड्स ए बुक, राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ रीड्स जो है वो मैन वर्ब है, एक ही वर्ब है यहाँ पर, तो वो मैन वर्ब है। दे कैन डू दिस वर्क, ही इज गोइंग, इनमें अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब 24 हैं, 24 हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, इज आर एम वाज वर डू डज डिड हैव हैज हैड ऑट शुड मस्ट कैन कुड मे माइट शैल विल वुड नीड डेयर यूज टू, ये 24 हैं, इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स बोला जाता है। यहाँ पर एक बात याद रखें जो मैं अभी बताना चाह रहा था, जैसे सेंटेंस है ही इज ए टीचर, अब यहाँ देखिए इज है तो वो मैन वर्ब के रूप में है। क्यों है मैन वर्ब के रूप में? क्योंकि यहाँ पर वो अकेली है, जब कोई अकेली वर्ब होती है तो वो, वैसे तो इज ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, वो दूसरे सेंटेंस में देखें ही इज ईटिंग, अब यहाँ दो हैं, एक इज भी है और ईट भी है, तो इज ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी और ईट मैन वर्ब हो जाएगी। पर ऊपर के सेंटेंस में आप देखें ही इज ए टीचर, यानी इसमें ये अकेली है, देखें आप यहाँ ये अकेली है तो यहाँ पर इज मैन वर्ब है, परंतु यहाँ पर दो हैं इज और ईट, दो हैं तो फिर इज यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी, ईट मैन वर्ब हो जाएगी। मोना हैज़ अ मोबाइल, तो हैज़ अकेली वर्ब है तो यहाँ पर ये मैन वर्ब के रूप में है, यानी सेंटेंस में जब एक ही वर्ब होती है तो वो मैन वर्ब होती है, और दो होती है तो फिर उसमें एक हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मैन वर्ब हो जाती है। यहाँ हैज भी है, गॉन भी है, तो फिर हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। दूसरा प्रकार होता है वर्ब्स का, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि इनको हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक यानी जिसमें कर्म होता है, दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिसमें कि कर्म की आवश्यकता होती है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, बिना ऑब्जेक्ट के ये नहीं काम करती हैं। दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, दैट विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट, जिसमें कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना अर्थ बता देती हैं। यहाँ उदाहरण हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का बताया, जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट, तो मोहन प्लेज, मोहन खेलता है, अब क्या खेलता है, तो क्रिकेट लिखने से ही ये सेंटेंस का पता चल रहा है कि प्ले कर रहा है, पर वो क्या प्ले कर रहा है, क्रिकेट प्ले कर रहा है। ही ईट्स, वह खाता है, क्या खाता है, जब तक ब्रेड नहीं लगाएंगे तब तक ये अर्थ अपना नहीं देगी क्रिया पूरा, इसलिए ऐसी वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। दूसरी इंट्रांजिटिव, मनोज लॉफ्स, तो यहाँ लॉफ इंट्रांजिटिव वर्ब है, मनोज हंसता है, अब इसमें जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की। ही स्लीप्स, वह सोता है, इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। तो कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, जैसे गो, कम, स्लीप, वॉक, मूव, फ्लाई, डाई, स्पिट, स्नीज, ये अधिकांश कुछ मैन वर्ब्स हैं जो अधिकतर काम देती हैं। ये आपकी एक बात हो गई, अब हम आते हैं एडवर्ब पर। एडवर्ब क्या होता है? An adverb is a word that modifies anything except noun, pronoun and interjection. आप जानते हैं parts of speech 8 प्रकार के होते हैं। इसमें noun, pronoun को जो qualify करते हैं, modify करते हैं, वो होते हैं adjective, ठीक है। एक interjection होता है, वो अपने एक अलग ही होता है interjection, तो उसमें कोई वर्ड खास नहीं होती। तो बाकी ये तीन को अब छोड़ दिया जाए, तो जितने parts of speech बचते हैं हमारे, 5 बचते हैं जो आपके टेबल पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं टेबल में, इनकी विशेषता, इनको मॉडिफाई करता है एडवर्ब, ये आप समझें। कुछ लोग एडवर्ब का अर्थ हिंदी में क्रिया विशेषण होता है तो ये मान के चलते हैं कि वो सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता है, वो एडवर्ब होता है। ये हिंदी अर्थ जो है शब्द उसका क्रिया विशेषण, उससे ऐसा लगता है, परंतु इंग्लिश में हम बात करें तो एडवर्ब नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। टेबल में हम एग्जांपल्स के रूप में समझा के बता रहे हैं आपको। वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, पहला सेंटेंस है ही गोज टू स्कूल स्लोली, ही गोज टू स्कूल स्लोली, वह स्कूल जाता है, तो स्लोली एडवर्ब है जो कि बता रहा है कि गो क्रिया जो है जाना, वो धीरे धीरे होती है, ठीक है, तो वो गो क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है स्लोली, तो एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। दूसरा प्रीपोजिशन, आप देखिए ही इज सिटिंग जस्ट अंडर द ट्री, वह पेड़ के ठीक नीचे बैठा हुआ है, तो जस्ट
एडवर्ब है वो अंडर प्रीपोजिशन है, तो अंडर प्रीपोजिशन के पहले आया है जस्ट, तो वो प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी सिचुएशन बता रहा है। तीसरा है कंजंक्शन, कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है, जैसे आप उदाहरण देखें ही फेल्ड सिंपली बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, तो सिंपली एडवर्ब है जो बिकॉज कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, जैसे ही इज गोइंग वेरी स्लोली, अब यहाँ स्लोली एडवर्ब है पर स्लोली को भी मॉडिफाई कर रहा है वेरी, तो वेरी भी एडवर्ब है स्लोली भी एडवर्ब है, तो एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, अब यहाँ ब्यूटीफुल ये बहुत सुंदर तस्वीर है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, परंतु वेरी एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है जो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो आपने इन उदाहरणों से समझा देखा कि एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके जितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उन सभी को, पांच जो हैं वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन एडवर्ब एडजेक्टिव, इनको वो मॉडिफाई करता है। चलिए आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब एडवर्ब के प्रकार क्या क्या होते हैं वो आपको हम शॉर्ट में कुछ शब्द लिख रहे हैं, क्योंकि हर पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में समझाना अभी पॉसिबल नहीं है, अभी हम केवल आपको थोड़ा थोड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, आगे हम डिटेल में एक एक टॉपिक का वीडियो बनाएंगे। एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, तो यहाँ ये जो शब्द आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब में, तो एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं वो सभी शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, नौ प्रकार के इनको हम माना जाता है एडवर्ब्स को, काइंड ऑफ एडवर्ब्स नौ प्रकार के होते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है जिनको कालवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे, यानी जो समय बताते हैं, तो ऐसे शब्द टुडे टुमारो यस्टरडे टुनाइट नाउ देन सून अर्ली लेट लेटली जस्ट एगो बिफोर इमिडिएटली शॉर्टली डेली ऑलरेडी फॉर्मरली नेवर एवर, ये सभी जो हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बोले हैं कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है, तो इस तरीके से विल गो व्हेन कब जाऊंगा, तो टुमारो जाऊंगा, तो टुमारो इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वो कल दिल्ली गया, तो अ वेंट व्हेन कब गया, यस्टरडे गया, तो यस्टरडे यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है दूसरा, इसमें ये शब्द हैं जो फ्रीक्वेंसी बताते हैं, बारंबारता जिसको कहेंगे, कोई का से ये इनसे ये पता चलता है कि कोई कार्य कितनी बार हुआ या कितनी बार होता है या कितनी बार होगा, ठीक है, कितनी बार हुआ होता है या कितनी बार होगा, ये शब्द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं। वंस ट्वाइस ऑलवेज डेली अगेन सेल्डम, सेल्डम माने होता है कभी ही होता है, ऑकेजनली यदा कदा रेगुलरली नियमित रूप से, फ्रीक्वेंटली बार बार, ऑफन प्रायः, रेयरली कम ही बार यानी बहुत कम केसेस में होता है, तो ये शब्द जो होते हैं। ही अटेंड्स क्लासेस रेगुलरली, वो क्लासेस रेगुलर अटेंड करता है, तो अटेंड्स हाउ ऑफन कितनी बार उपस्थित होता है वो, रेगुलरली, तो यहाँ रेगुलरली क्या हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, ठीक है, मैं हमेशा आपकी मदद करता हूँ, तो हेल्प्ड मदद करता हूँ, हाउ ऑफन कितनी बार, ऑलवेज हमेशा, तो ऑलवेज क्या हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। तीसरा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी जो एडवर्ब ऑफ प्लेस से ऐसा पता लगता है कि वो कार्य के स्थान का बोध होता है, प्लेस का पता चलता है, कहाँ हुआ कहाँ हो रहा है कोई कार्य या कहाँ होगा, तो ये बताते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, ठीक है, ये शब्द कौन से होते हैं आपको दिख रहे हैं, हेयर देयर बैकवर्ड एवरीवेयर जो सब जगह, नो वेयर यानी कहीं भी नहीं, फार दूर, अप डाउन इनसाइड आउटसाइड विद इन नियर अवे समवेयर कहीं कहीं समवेयर यानी कहीं कहीं बिलो, ये सब जो वर्ड हैं ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाते हैं। जैसे हम बोले कि प्लीज कम हेयर, कृपया यहाँ आओ, तो कम वेयर कहाँ आओ, मतलब हेयर हेयर यहाँ, तो हेयर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा हम बोले कि ही वेंट फॉर, वह दूर चला गया,
ही वेंट फॉर नहीं फार, ही वेंट फार, वह दूर चला गया। तो वेंट वेयर, कहाँ गया, फार यानी दूर, तो फार इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो ये इस तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस रहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, ये इनसे ये पता चलता है कि कोई क्रिया एक्शन एडजेक्टिव या एडवर्ब की इंटेंसिटी किस हद तक या कितनी है। ठीक है, ये पता चलता है कि उस क्रिया की एडजेक्टिव एडवर्ब की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। तो जैसे वेरी, ये शब्द हैं ये जो आते हैं इसमें, वेरी, रादर, रादर यानी बहुत, क्वाइट बिल्कुल, इनफ नियरली, नियरली यानी लगभग, ऑलमोस्ट लगभग, मोस्ट, टू मच, हार्डली, हार्डली माने नगण्य हो जाता है, एग्जैक्टली बिल्कुल ही। तो इस तरीके के जो वर्ड हैं वो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में आते हैं। जैसे हम बात करें द टी इज रादर हॉट, चाय काफ़ी गर्म है, यानी इज रादर हॉट, यहाँ इसका मतलब होता है कि ज़रूरत से अधिक गर्म है। ठीक है, तो हाउ हॉट, हाउ मच, कितनी ज़्यादा, कितनी गर्म है, रादर यानी बहुत। ठीक है, तो रादर क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एक और उदाहरण देखें, द काउ इज मोस्ट यूजफुल, द काउ इज मोस्ट यूजफुल, काउ बहुत उपयोगी है। तो यूजफुल टू व्हाट एक्सटेंट, कितना, कितनी लाभदायक है, कितनी उपयोगी है, मोस्ट यानी बहुत, काउ इज मोस्ट यूजफुल। तो मोस्ट वो क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी दिखती है हमको कि कोई काम किस हद तक या कितना हो रहा है। ठीक है, अब देखें एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ये पांचवा प्रकार है हमारा। इनसे ये पता चलता है कि कोई क्रिया का किस ढंग से या कैसे होता है, कोई काम का तरीका क्या है, कैसे होता है वो। ठीक है, तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। ये एग्जांपल्स हैं, इनके शब्द कौन से होते हैं, क्लियरली, स्लोली, केयरफुली, ब्रेवली, लाउडली, क्विकली, फास्ट तेज़ी से, वेल अच्छी तरह से, सो ऐसा, हार्ड यानी कड़ाई से, दस यानी इस प्रकार। तो ये सब वर्ड जो हैं ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। जैसे इनको समझे हम तो, शी राइट्स ब्यूटीफुली यानी वो बहुत सुंदरता से लिखती है। तो राइट्स हाउ, कैसे लिखती है, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली लिखती है। तो ब्यूटीफुली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, ठीक है, तो बच्चा खूब अच्छे से चैन से सोता है, स्लेप्ट साउंडली। तो स्लेप्ट हाउ, कैसे सोता है, साउंडली, चैन से, आराम से। तो साउंडली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। ठीक है, एक देखें अगला, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, यार इनसे पता चलता है यस नो, सर्टेनली, श्योरली, यस नो, नॉट, नेवर, ये शब्द होते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर हम अफर्मेशन में ले रहे हैं या नेगेशन में ले रहे हैं, दोनों तरीके से हो सकता है। तो ऐसे कुछ शब्द ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन दोनों से ये, इनके प्रयोग से पता लग जाता है कि उत्तर में क्या आएगा, सर्टेनली आएगा, श्योरली आएगा, यस नो नॉट नेवर का आएगा। जैसे आर यू वेल, क्या तुम ठीक हो, यस आई एम, तो यस यहाँ एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन हुआ। इज ही मिस्टेकन, श्योरली, विल यू सपोर्ट हिम, नो नेवर। ठीक है, तो नो नेवर सर्टेनली, इस तरीके से ये होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, कारण होता है, तो ये शब्द होते हैं, आप इसको, इनको दिख रहे हैं आपको, ये हैंस, देयरफॉर, सो, ये सब रीजन बताने वाले हैं एडवर्ब। एक दो और होते हैं, इंटरगेटिव एडवर्ब है, आप देखें वैन, वेयर, हाउ, वाई, ये सब चीज जो होते हैं, ये ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वे सब इसके अंतर्गत आते हैं। इंटरगेटिव एडवर्ब में जितने हैं डब्ल्यू एच वर्ड, क्वेश्चन वर्ड जिनको कहते हैं, ये प्रश्न पूछने के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। और जैसे हम बात करें व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो तुम कितनी बार, व्हेन डू यू गो टू, तुम स्कूल कब जाते हो, या हाउ मैनी टाइम्स डू यू ईट, कितनी बार तुम खाते हो। यहाँ स्कूल की स्पेलिंग गलत लिख गई है, इसको थोड़ा सा आप सुधार के लिखें। यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट, कितनी बार तुम खाते हो, वेयर इज योर फादर, तुम्हारे पिता कहाँ हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं वो हम इंटरगेटिव एडवर्ब्स में करते हैं। आखिरी है होता है रिलेटिव एडवर्ब्स, यानी इस तरह के ये अपने ये बाद वाले जो वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, ये दो वाक्य को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस आप देखें, दिस इज़ द फील्ड वेयर आई प्ले, तो यहाँ दो सेंटेंस हैं जिनको ये वेयर से जोड़ा गया है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं।
फिर आता है प्रिपोजिशन. अब सेंटेंस देखें, वर्क इन द स्कूल बिगिंस एट 9 AM, वी किल्ड द टाइगर विद ए गन, हमने एक टाइगर को गन से मार दिया. द गर्ल्स ले डाउन ऑन द ग्रास, आई शैल सी आफ्टर 5 o'clock. यहाँ लाल से कलर से जो दिख रहे हैं छोटे छोटे शब्द, इनको प्रिपोजिशन बोला जाता है. तो प्रिपोजिशन क्या बताते हैं, द वर्ड्स इन रेड कलर आर कॉल्ड प्रिपोजिशन, हमने लिख दिया है, बिकॉज दे नॉर्मली स्टैंड और टेक पोजिशन बिफोर अ नाउन. प्री नाउन यानी प्री पोजिशन, अब प्री प्लस पोजिशन यानी पोजिशन माने स्थिति, और प्री यानी पूर्व, पूर्व स्थिति. तो दो नाउन के बीच में क्या संबंध है वो ये बताते हैं. द नाउन इज सेड टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, और जो इस प्रपोजिशन के बाद में जो नाउन आता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, क्योंकि वो इस प्रपोजिशन के बाद आता है. ठीक है, तो ये प्रपोजिशन वर्ड होते हैं जो कि सिचुएशन बताते हैं. वी किल्ड द टाइगर विद ए गन, अब यहाँ गन से टाइगर को मारा. अब हम यदि विथ या नहीं लिखेंगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि टाइगर कैसे मरा, किस चीज़ से मरा. तो ये विथ से पता लग रहा है. द गर्ल्स ले डाउन ऑन द ग्रास, लड़कियां घास पर लेटी हुई हैं, तो ऑन से पता लग रहा है कि वो घास के ऊपर हैं. ठीक है, तो ये दो नाउन के बीच में रिलेशन बताते हैं. ये मैं कुछ प्रपोजिशन के हिंदी और इंग्लिश लिख रहा हूँ आपको जिससे पता लगे. मैं के लिए कौन से प्रपोजिशन होते हैं, इन, इनटू, विदिन, अमोंग, बिटवीन, अमोंगस्ट, ये सब मैं के अर्थ में होते हैं. ठीक है, पर के लिए एट, ऑन, उप, अपॉन, ओवर, अबव, से के लिए बाय, फ्रॉम, विद, सिंस, फॉर, के, को, ऑफ, टू, ये लिए के लिए फोर आता है, ऊपर के लिए ऑन, अपॉन, ओवर, अबव. ठीक है ना, पुल नदी के ऊपर है तो ऊपर के लिए हम ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, इनमें से क्या लगाना है वो आपको देखना पड़ेगा. नीचे के लिए अंडर, बिलो, डाउन आता है, आगे के लिए बिफोर, इन फ्रंट ऑफ. ठीक है, मंदिर स्कूल के सामने है, स्कूल के आगे है, तो आगे के लिए इन फ्रंट ऑफ आएगा या बिफोर आएगा, ये देखना आपको. पीछे, पहले, बाद के लिए बिफोर आफ्टर होता है. तो ये सब प्रपोजिशन हैं, इनको विभक्ति बोलते हैं हिंदी में. बिसाइड सिंगल वर्ड प्रपोजिशंस देर आर ऑल्सो फ्रेजेज विच डू द वर्क ऑफ प्रपोजिशंस एंड आर कॉल्ड फ्रेजेज प्रपोजिशन. अब ये जो आपने देखे वो एक शब्द वाले प्रपोजिशन थे. अब कुछ फ्रेज भी रहते हैं जो दो या तीन शब्द वाले होते हैं, उनको फ्रेज प्रपोजिशन बोला जाता है. इसके एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, by means of, because of, in front of, in a position to, on account of, with reference to, ये सभी दो तीन शब्द वाले प्रपोजिशन हैं, इनको हम फ्रेज प्रपोजिशन कहते हैं. तो सिंगल वर्ड प्रपोजिशन, ऑन, इन, एट, ये सब हैं, बाकी ये फ्रेज प्रपोजिशन हैं. आप इनको राइट डाउन कॉपी पर कर लीजिए. इसके बाद आता है कंजंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच. यहाँ सेंटेंस देखिए आप, मोना एंड काजल आर सिस्टर्स, मोना और काजल बहने हैं. आई एम पुअर बट यू आर रिच, मैं गरीब हूँ परंतु तुम अमीर हो. आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, ठीक है मैं बाहर नहीं जाऊँगा यदि बारिश होती है. राम गेट्स अप अर्ली देयर फोर ही इज हेल्दी, ठीक है. द वर्ल्ड इज लाइटेड When the sun rises. अब यहाँ देखिए and, but, if, therefore, when, ये जो रेड कलर से लिखे हुए हैं ये क्या काम कर रहे हैं. The words in red color join words और group of words. ठीक है, even sentences. ये शब्द दो शब्दों को जोड़ रहे हैं या दो वाक्यों को join कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं. तो these are called conjunctions और connectors. या तो इनको conjunctions बोला जाता है या connectors बोला जाता है, क्योंकि दो नाउन को जोड़ते हैं या दो sentences को जोड़ते हैं. इनका काम होता है सीधा सीधा जोड़ना. ठीक है, तो definition इसकी कैसे हो जाएगी. A conjunction is a word used to join words, phrases, clauses or sentences together. ठीक है, जो एक साथ शब्दों को या वाक्यों को जोड़ते हैं तो ये कंजंक्शंस होते हैं. अब काइंड्स ऑफ कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के अंतर्गत आप देखिए क्या क्या आते हैं, एंड, बट, और, आल्सो, स्टिल, टू, फॉर, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट आल्सो, बोथ एंड, ये सभी स्ट्रक्चर में आपने ग्रामर में पढ़े हैं. ये सभी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं. दूसरे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, इनका क्लोजेज में इस्तेमाल होता है. बिकॉज, इफ, दैट, व्हेन, वेदर, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस, टिल, वेयर, व्हाइल, सो, सिंस, एज इफ, एज दो, ये सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं. ये आपने अक्सर सेंटेंसेस में ग्रामर में देखे होंगे. आपको हमें केवल ये बताना है कि ये कंजंक्शंस होते हैं और कौन से कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, कौन से सबऑर्डिनेटिंग होते हैं, ये आप इसको देख करके समझ लें.
फिर आता है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये स्क्रीन पर आपको शब्द दिख रहे हैं नीचे, हुर्रे, ओ, आ, आल्स, आल, ये सब जो सेंटेंस में आते हैं। अब ये क्या बताते हैं, इसकी डेफिनेशन आप एक बार देख लो। वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। तो ऐसे शब्द जो अचानक से हमारे अंदर जो फीलिंग आती है या हमारे अंदर जो इमोशन आते हैं हमारे हृदय में, वो उनको जो एक्सप्रेस करते हैं वो शब्द इंटरजेक्शंस होते हैं। और इनके लास्ट में हमको नोट ऑफ इंटरजेक्शन यानी आश्चर्य का वो तक जो साइन होता है नोट ऑफ इंटरजेक्शन, वो डंडा बिंदी वाला, वो हमको आखिरी में इज यूज एट देयर एंड, वो हमको आखिर में लगाना है। अब हम आपके सामने ये दिख रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह के शब्दों से क्या फीलिंग आती है। जैसे हर्ष बोधक, जिसको जॉय कहते हैं हम, हर्ष उत्पन्न होता है तो इसके सामने ये हुर्रे वर्ड यूज किया जाता है। विषाद यानी ग्रीफ है तो ग्रीफ के आगे ओ आ ऐसे शब्द आते हैं। मनोरंजन या आश्चर्य हमको लगता है, सरप्राइज, तो फिर इस तरीके से आगे आप देखें स्क्रीन पर। स्वीकृति या संतोष, अप्रूवल जब हम किसी को दे देते हैं तो इस तरीके से, मैच जीत गए तो ब्रेवो, हम मैच जीत गए तो ये हमको संतोष हुआ, स्वीकृति हम दे रहे हैं। थकान है, वेयरीनेस है तो इस तरह के शब्द। ध्यान, अटेंशन यदि है तो देख, ये पोइम में आता है आपने लो देखा होगा, लो यानी लुक, हार्क, ये शब्द जो है वो अटेंशन दिलाने के लिए रहते हैं तो ये इंटरजेक्शन में है। और शब्द हैं घृणाधिक्कार, जब हमको घृणा आती है अंदर से, हमारी फीलिंग अंदर आती है बेकार सी आती है, तो फिर हम इसके लिए यूज शब्द करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, आप ये जो फिर लिखा हुआ है एफ आई ई है, ये दूसरी बार देखिए वो सही लिखा हुआ है एफ आई ई, फी फी, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं यानी इसका मतलब होता है छी छी, जैसे बोलते हैं मन में घड़ा आती है तो छी छी कितनी बुरी चीज़ है, ठीक है। ये आगे पी डब्लो एच ये पू लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है राम रे राम, हरे राम, क्या हो गया, छी छी छी। और फिर होते उपहास, हैट्रेड बताते हैं, तो ये शब्द स्टफ, बोश, ये शब्द जो आगे लिखे हुए हैं ये हैट्रेड घृणा बताते हैं, उपहास बताते हैं। संबोधन, एड्रेस किसी को करते हैं तो हो, होलो, हेलो, इस तरीके के शब्द यूज करते हैं। संदेह, डाउट या सस्पिशन होता है तो सामने आपके लिखे हुए हैं। शब्द समूह जो एक या दो शब्द के होते हैं, आ मी, फॉर शेम, शर्म की बात है, शेम शेम शेम, वेल डन, बहुत अच्छा, ये सब शब्द जो है इंटरजेक्शन होते हैं। थोड़े से उदाहरण आपको बता रहे हैं, जैसे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, वाह हम लोग मैच जीत गए। आल्स, आई एम अनडन, हाय मैं तो बर्बाद हो गया। ओ, ही वाज रियूंड, ओ वह बर्बाद हो गया। तो यहाँ हुर्रे, आल्स, ओ, ये सभी जो वर्ड आप दिख रहे हैं जिनमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, ये सभी इस तरह के इंटरजेक्शन हैं। और देखिए, आ द सीन इज पैथेटिक, आ दृश्य करुणा भरा है, पैथेटिक है। ब्रैवो, यू हैव डन द बेस्ट, शाबाश तुमने बहुत बढ़िया किया। लो, हार्क, हस, ही वेंट अवे, देखो सुनो, ए वह चला गया। वेलकम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू एंग्जसली, स्वागत है मैं आपकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। हेलो, हाउ आर यू, कहिए आप कैसे हैं। फी फी छी छी पू, राम रे राम, ये सभी शब्द आप देख लें तो ये सभी इंटरजेक्शन होते हैं। आप राइट डाउन कर लें, अच्छे से समझ लें, नहीं समझ में आता है वीडियो बार बार देख लें। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, 9 से 12 तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहा है 6264472391, इस पर आप अपनी स्कूल नेम और डिस्ट्रिक्ट की जानकारी मेरे को सेंड करें तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज दूंगा जिससे आप ऐड हो जाएंगे। यदि आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम जरूर कर लें। आपको मैं समझा रहा हूँ स्क्रीन पर इस तरीके से, ये आपके स्क्रीन पर किसी वीडियो के नीचे ये दिखता है जहाँ पर हमारा ये मोनो है, ये लाल से सब्सक्राइब लिखा दिखेगा आपको, इसको आपको टच करना है। टच करने के बाद में ये देखिए आपको इस तरीके से यहाँ एक बेल आइकॉन होगा, घंटी दबी होगी, घंटी को आप दबाएंगे तो ये देखो घंटी है यहाँ पर, इनको दबाएंगे तो ये तीन ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सोनिफिकेशन और नन। तो आप यहाँ ऑल जो दिख रहा है, ऑल, इस ऑल को आप क्लिक कर देंगे तो सारे वीडियो हमारे आपके पास पहुँच जाएंगे, बस इतना करना है आपको, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो मान के चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ, तो आप इसको आप लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।